पपीता खाने के साथ साथ स्किन के लिए भी है वरदान। गर्मी का मौसम शुरू होते ही चेहरे पर टैनिंग और डिहाइड्रेशन जैसी कई समस्याएं दिखने लगती हैं। तेज धूप में त्वचा बुरी तरह जल जाती है। इससे बचने के लिए आप जब भी बाहर जाएं तो अपने चेहरे को अच्छे से ढक लें और बाहर जाने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। एक अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन आपको सूरज की कठोर किरणों से बचाता है और आपकी त्वचा की रक्षा करता है। आप अपने चेहरे में ताजगी और सुंदरता लाने के लिए घर का बना फेस पैक भी लगा सकते हैं। इससे आपकी त्वचा में निखार आएगा, साथ ही यह आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देगा। तो आइए जानते हैं ऐसे ही फेस पैक के बारे में जो आपको ग्लोइंग स्किन दे सकता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच पपीते को अच्छे से मैश कर लें, 1 चम्मच संतरे का गूदा या फिर पाउडर लें। शहद, मसले हुए पपीते और संतरे के गूदे को अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस फेस पैक को हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद यह फेस पैक पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर इसे सादे पानी से धो लें। आप इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा और आपकी त्वचा निखर जाएगी। गर्मियों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में हमारे शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको इस बात का खाल ख्यास रखना चाहिए कि आपका शरीर डिहाइड्रेट ना हो। ऐसा करने के लिए दिन भर में सही मात्रा में पानी पिएं। इसके अलावा आप नारियल पानी, नींबू पानी, मौसमी फल, हरी सब्जियां, मोटे अनाज, दही, लस्सी का सेवन कर सकते हैं। साथ ही चेहरे पर हमेशा हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को निखारने के लिए मुल्तानी मिट्टी फेस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें और उस पर मॉइस्चराइजर लगा लें। फिर देखिए गर्मियों में आपकी त्वचा भी खिल उठेगी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।